मेरे प्यारे देशवासियों बीते कुछ वर्षों में हमने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी चुनौतियों पर विजय पाई है इसका पूरा श्रेय हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स साइंटिस्ट और देशवासियों की इच्छा शक्ति को जाता है हमने भारत से स्मॉल पॉक्स पोलियो और गिनी बॉम्ब जैसी बीमारियों को समाप्त करके दिखाया है आज मन की बात के श्रोताओं को मैं एक और चुनौती के बारे में बताना चाहता हूं जो अब समाप्त होने की कगार पर है यह चुनौती है ये बीमारी है कालाजार इस बीमारी का परजीवी सेंट फ्लाई यानी बालू मक्खी के काटने से फैलता है जब किसी को कालाजार होता है उसे महीनों तक बुखार रहता है खून की कमी हो जाती है शरीर कमजोर पड़ जाता है और वजन भी घट जाता है यह बीमारी बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी हो सकती है लेकिन सबका प्रयास से कालाजार नाम की बीमारी अब तेजी से समाप्त होती जा रही है कुछ समय पहले तक कालाजार का प्रकोप चार राज्यों के 50 से अधिक जिलों में फैला हुआ था लेकिन अब ये बीमारी बिहार और झारखंड के चार जिलों तक ही कर रह गई है मुझे विश्वास है बिहार झारखंड के लोगों का सामर्थ्य उनकी जागरूकता इन चार जिलों से भी कालाजार को समाप्त करने में सरकार के प्रयासों को मदद करेगी कालाजार प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से भी मेरा आग्रह है कि वो दो बातों का जरूर ध्यान रखें एक है सैनफ्लाई या बालू मक्खी पर नियंत्रण और दूसरा जल्द से जल्द इस रोग की पहचान और पूरा इलाज कालाजार का इलाज आसान है इसके लिए काम आने वाली दवाएं भी बहुत कारगर होती हैं। बस आपको सतर्क रहना है बुखार हो तो लापरवाही ना बरतें और बालू मक्खी को खत्म करने वाली दवाइयों का छिड़काव भी करते रहें। जरा सोचिए हमारा देश जब कालाजार से भी मुक्त हो जाएगा तो ये हम सभी के लिए कितनी खुशी की बात होगी सबका प्रयास की इसी भावना से हम भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने के लिए भी काम कर रहे हैं आपने देखा होगा बीते दिनों जब टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ तो हजारों लोग टीबी मरीजों की मदद के लिए आगे आए ये लोग निक्षय मित्र बनकर टीबी के मरीजों की देखभाल कर रहे हैं उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं जन सेवा और जन भागीदारी की यही शक्ति हर मुश्किल लक्ष्य को प्राप्त करके ही दिखाती है